चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कपिल वस्तु जो जिला सिद्धार्थ नगर में है उसके विकास के तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, भारत नेपाल की सीमा पर कुछ खंडहर थे, उसकी खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा 1972 में हुई थी और वहाँ पर एक स्तूपा मिला और महाराज सुद्धोधन का महल मिला। उस स्तूपा में भगवान बुद्ध की अस्थि मिली जो इस समय भारत के संग्रहालय में रखा हुआ है। लुम्बिनी जो नेपाल में है वहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बुद्ध जन्मस्थली के रूप में ये प्रूव हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1988 में मूल जिले बस्ती से हटा करके इसका नाम जिला सिद्धार्थ नगर रखा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम कपिलवस्तु है। महोदय, मैं आपके माध्यम से वहाँ विकास की बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो खंडहर जो है वो भगवान बुद्ध का जो प्रसाद हमारे लिए है, जो सबसे पिछड़ा जिला सिद्धार्थ नगर है भारत नेपाल का सीमा पर, हमारा भाग्य है अगर उसका डेवलपमेंट हो जाए तो वहाँ लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। वहाँ पर अभी जो बुद्धिस्ट की बौद्ध भगवान में आस्था है वहाँ के देश के लोग वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। बगल में श्रावस्ती है, बगल में कुशीनगर है, उसका समुचित विकास हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में कपिल वस्तु जो है ये हमारे लिए खजाना साबित हुआ है, प्रदेश के लिए, देश के लिए और विशेषकर हम लोगों के लिए। हम भी वहीं के रहने वाले हैं तो इसका अगर विकास हो जाए, वहाँ पर हवाई पट्टी के लिए जगह छोड़ी गई है, वहाँ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है और अगर ये विकसित हो जाता है तो जो लुम्बिनी है बगल में नेपाल का, वहाँ भी रहने की जगह नहीं है, ये सबसे सूटेबल जगह होगी। बस्ती जो मेन जगह है, रेल लाइन पास होती है, वहाँ से रेलवे लाइन प्रपोज्ड है और अच्छी सड़क बन गई है। तो महोदय, इसमें मैं ये है कि इसका विकास किया जाए, हवाई अड्डे की जगह है, हवाई पट्टी बनाई जाए और सबसे महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का अस्थि कलश जो संग्रहालय में रखा है उसको पिपराहवा, उस जगह का नाम है कपिल वस्तु जो बना है, वहाँ पर रखा जाए, जिससे वहाँ पर पर्यटक आकर्षित होंगे और इससे विकसित होंगे हम लोग, सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। धन्यवाद विराज जी।